स्मार्ट नौकरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, जैसे आप सबने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म तो फिलअप करना स्टार्ट कर दिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म को फिलअप कर दिया होगा, और मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे नीट का एग्जाम लेता है और रिजल्ट जारी करेगा, इस चीज़ के अलावा NTA का कोई काम नहीं रह जाता है, आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा, रिजल्ट जारी करेगा। एडमिशन काउंसलिंग का प्रोसेस में इसका कोई भागीदारी नहीं रहता है। उसके बाद आपका मेडिकल काउंसलिंग कमिटी कराता है और पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए, पर्टिकुलर एडमिशन के लिए अपना अपना कॉलेज निकालता है। इसमें आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूँ, आपको नहीं पता होगा। शुरू करते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। फ्रेंड सबसे पहले बात करते हैं 15% के लिए, फिर बात करेंगे AFMC, जिपमर और एम्स, इन चार चीज़ में आज आपको बताने वाला हूँ कि एडमिशन कैसे लेना है आपको, और जल्दी सबका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, आप ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले 15% कोटा के लिए बात करते हैं। तो फ्रेंड बता दूं कि जून में आपका रिजल्ट जारी करेगा NTA, और जून के बाद आपका मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के वेबसाइट पे आपका, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा 15% काउंसलिंग के लिए। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC.NEET.IN के वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे आप पेमेंट करेंगे तो 15% में आपका काउंसलिंग होगा। ये तो रहा 15%। अब इस बार नया एम्स और जिपमर ऐड हुआ है, तो मैं आप सबको बता दूं कि एम्स अपना अलग से एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर सकता है, अपना अलग से एप्लीकेशन फॉर्म जारी करेगा एडमिशन के लिए। एम्स अलग से काउंसलिंग करेगा और एडमिशन लेगा, क्योंकि अलग एम्स अपना अलग ये काउंसलिंग कराएगा, तो एम्स का भी आएगा, तो और एम्स का जल्दी आ सकता है। एम्स और जिपमर इन दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा जल्द ही, आई थिंक जनवरी फरवरी के आसपास ही मुझे लगता है कि ये अपना जारी करेंगे या मार्च के पहले जारी कर देंगे। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एडमिशन के लिए, ठीक है, मतलब ये भी नीट से ही एडमिशन लेगा, लेकिन आप जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तब तक ये एडमिशन कैसे लेंगे, ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं AFMC, तो एक तो AFMC MCC के वेबसाइट पे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस समय भी AFMC का आपको ऑप्शन मिलेगा, और AFMC अपना अलग अप्लाई करना को बोलता है आपको, AFMC के वेबसाइट पे आपको अलग अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। तो फ्रेंड मैं इस सब का मैं आपको एक बार में बता दिया, और एक चीज़ आपको नहीं पता होगा, AAACC, तो इसके बारे में बता दूं कि ये 2019 इसी साल शुरू हुआ है, और ये है BAMS, BHMS और BUMS के लिए। AAACC आयुर्वेदिक होम्योपैथी यूनानी के लिए 15% के लिए काउंसलिंग करता है। इसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं तो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा जब जैसे जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, मैं आप इसको एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। तो आपको ये गलत फहमी नहीं रहना है कि नीट ही सब कुछ कराएगा, ऐसा कुछ नहीं है। NTA का काम सिर्फ होता है एग्जाम लेकर रिजल्ट जारी करना, बाकी सब अपना अपना काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन करेंगे नीट के थ्रू, और आप तैयार रहिएगा, रजिस्ट्रेशन आपको 2-3-4 जगह रजिस्ट्रेशन आपको फिर से करना पड़ सकता है, स्टेट में भी आपको करना पड़ेगा, जरूर स्टेट में करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। तो मैंने फ्रेंड आपको नहीं पता था तो मैंने बता दिया, और जैसे जैसे इस सब का फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, मैं आपको फिलअप करके एक एक करके बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। तो फ्रेंड यही बताना था, अच्छा लगे तो लाइक्स करें, शेयर करें, और सुझाव भी दें कमेंट में कि मुझे क्या किसके रिगार्डिंग वीडियो बनाना है, आपको किस चीज़ के डाउट है कमेंट में, मैं आपको जवाब दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।